गुड इवनिंग एवरीवन, मैं आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं हमारे अनअकैडमी के यूपी एग्जाम में, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम्स के बारे में। तो हमारा ये आज का तीसरा सेशन है कि देखिए, मेरा क्या है कि आप लोगों को छोटे से लेके हर मतलब हम लोग ज़्यादा फास्ट भी नहीं रहे कि आपको कुछ समझ में भी नहीं आए, मेरा कोर्स भी कम्प्लीट हो जाए, इस तरह नहीं करना है। हम लोगों को मकसद यही है कि आप लोगों को कैसे भी करके सरकारी एक टीचर बनवाना है, उसके लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए। आप लोग भी प्रयास करिए कि देखिए, मैं क्वेश्चन सबसे अच्छे लेकर कोशिश यही करता हूँ अच्छे से अच्छे ही आए, मेरे हिसाब से मेरे लिए तो सबसे अच्छे ही रहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स करके कमेंट में बता सकते हैं कैसे क्वेश्चंस रहेंगे। हम लोगों ने पिछले दो सेशन में क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया हुआ था, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हमारा इस यहाँ पे वीडियो प्रीमियर होंगी, तो उसके बाद जब क्लासेस नॉर्मल लाइव क्लासेस में आ जाएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कई सारे क्वेश्चंस। एक बार ये टॉपिक कंप्लीट हो जाने दीजिए नंबर सिस्टम का, इतने सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा कि आप लोग कहेंगे नहीं सर, हम बहुत गजब क्वेश्चन आप प्रोवाइड किए हुए हैं। तो जल्द से जल्द आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ, आइए मिलके बनते हैं। अब शिक्षक बनना हुआ आसान, हमारे साथ बढ़ जुड़ जाइए। हम लोगों का जो बैच स्टार्ट किया गया है स्पेशली फॉर यूपी टेट और यूपी सुपर टेट के लिए, शिक्षक बनना हुआ आसान, अगर आपने पहले दो वीडियो को मिस कर दिया हुआ है तो उन वीडियो को आप जाके देख लीजिए, क्योंकि ये सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो वीडियो अभी आपने देखी नहीं हुई है तो यूनिट डिजिट्स और उसके जो पार है ये कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, तो शेयर कर दीजिए और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में, शेयर जरूर करते रहिएगा एंड लाइक भी ठोक दीजिए। लाइक में क्या होता है, भी एक सुकून भी मिल जाता है, भी मोटिवेशन बढ़ जाता है, नहीं बच्चे ने लाइक किया है और इससे अच्छे अच्छे हम वीडियो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सुन लेके आते हैं, तो लाइक करने में देखिए ना आपका कुछ जाता है ना हम लोगों का, बस थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। जो बंदा प्रैक्टिस करता है कोशिश यही करता है कि अच्छे से अच्छा मटेरियल, कोई गुरु है अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करे अपने बच्चों को, अगर फिर नहीं मिलता तो थोड़ी बहुत निराशा से आ जाती है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लाइक जरूर ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका मैं स्वागत करता हूँ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में, जहाँ पे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेके यू कैन गेट एक्सेस टू अनलिमिटेड लाइव लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी देख सकते हैं जो कि इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, आपको हेल्प करेगा आपका एग्जाम क्रैक करने में, चाहे वो UPBSC हो या UPSSSC हो, अन्य कई सारे एग्जाम्स भी। प्लस पे मेरा कोर्स चल रहा है, पहले मैं क्या हुआ करता था अनअकैडमी जो हमारा वाईफाई स्टडी स्टेट PSC चैनल है वहाँ पे मैं क्लास लिया करता था, हमारा करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमिक्स, सो उसी के संध्यान में उसी को संदर्भ में ध्यान में रखते हुए मैंने एक कोर्स को लॉन्च किया गया था। कई सारे लोगों की डिमांड चल रही थी सर अपना एक कोर्स को लॉन्च कर दीजिए हमारे प्लस पे, तो वह कंप्लीट कोर्स है हमारा इकोनॉमिक्स पे, यहाँ पे आपको स्टैटिक पोर्शन प्लस करेंट पोर्शन भी मिलता है, साथ ही में आप MCQs को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये देखिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस की तक की पॉइंट तैयारी हम लोग यहाँ पे कराते हैं। ये कोर्स अब मेरा जो अगला सेशन है आपको 2 तारीख को मिलेगा, 2 जैन, 2 के बाद फिर हमारा 4 अल्टरनेट डे चलता है, 2 जैन 4 जैन हमारा 9 PM, 9 PM प्लस पे आप फॉलो कर सकते हैं जो भी PSC पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PSC हो या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे सिविल सर्विस परीक्षा या फिर स्टेट्स के लेवल में जो अपर PCS है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स ऑप्ट करना चाहते हैं, GS पेपर 3 से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आते हैं वो उसको कवर कराया जाता है। अभी हमारा चल रहा है एग्रीकल्चर का टॉपिक चल रहा है, तो आप ये अटेंड कर सकते हैं इस लेक्चर को। इसके बाद हमारा एक 5 फिस्कल पॉलिसीज के बारे में देखेंगे, फिस्कल फ्रेमवर्क। इसके साथ ही में हमारा जो आप लोग जानते हैं रणधीर सर जो हैं और हमारे मनोज त्रिपाठी सर, ये भी हमारे इसी पे क्लास लेते हैं, एक हमारा बैच चलाया गया है स्पेशली फॉर यूपी टेट के लिए, तो यूपी टेट को ध्यान में रखते हुए अगले जो नई जैसे जनवरी से एक नया कोर्स को लॉन्च किया जाएगा,
इसी के लिए स्पेशली फॉर यूपी टेट के लिए, तो आप उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन से क्या क्या फायदेज आपको मिलते हैं, फायदेज के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो डेली लाइव क्लासेस होंगी, डेली लाइव क्लासेस में आप एडुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं डिस्कशन में, अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, आंसर पोल भी होता है क्लास के दौरान। यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज वैरियर नहीं है, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहें उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके पास बहुत अच्छी दी गई है, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलता है स्टार्टिंग फ्रॉम प्री से लेके इंटरव्यू तक का, जिसका भी आप रेफरल कोड यूज करते हैं प्रॉपर वो गाइड करता है आपको। और इसके अलावा भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस, जो भी सिलेबस होगा उसी के अनुसार आपको कोर्स मिलेगा। टेस्ट सीरीज या फिर हम लोग जो क्विजेस के बेस्ड पे टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस के बेस पे यू कैन आल्सो इवेल्युएट योर ओन प्रिपरेशन, प्लस उस पे डिटेल एनालिसिस भी दी जाती है आपके परफॉर्मेंस की। सबसे बेस्ट फायदा इसका ये होता है कि वन सब्सक्रिप्शन कैन गिव यू अनलिमिटेड एक्सेस, आप लोगों को अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे जीएस की भी तैयारी कर सकते हैं, एसए की भी तैयारी कर सकते हैं, एथिक्स की तैयारी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग के अलावा आप जैसे हम लोग बोल सकते हैं सी सेट या फिर रीजनिंग ऑप्शनल। आपने यूपी पीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके साथ ही में जितने भी यूपी में एग्जाम्स हैं, अदर यूपी एग्जाम जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं टेट हुआ एंड सो ऑन, जितने भी यूपी में एग्जाम है सबके लिए आप एलिजिबल हैं यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेने से। आप देखिए कितना सारा आपको फायदा मिल रहा है सब्सक्रिप्शन लेने से, एक सब्सक्रिप्शन लीजिए फायदा अनेक उठाइए। अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन में अगर किसी का भी रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होते हैं 1 मंथ से 3 मंथ, 6 मंथ, 12 और 24 में। आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप 12 महीने वाला लीजिए 7,000 का है, या फिर आप 24 महीने का लीजिए। 7,000 आपको पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अगर रेफरल कोड यूज करते हैं सुभेंद्र 10 एंड सुभेंद्र एससी, इनमें से कोई भी रेफरल कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट मिलते ही ये कोर्स पड़ जाएगा 6,300 का, 6,300 ओनली। 6,300 में आप कई सारे फायदे उठा सकते हैं। अगर हम 24 मंथ का बारे में बात करते हैं तो 24 मंथ का है हमारा 8,400 रुपए, 8,400 का है हमारा 24 मंथ का। इस पे भी आपको 8,400 नहीं देना है, रेफरल कोड का यूज करिए और 10% का फायदा उठाइए। 10% पे ये उठाने से आपको पड़ जाएगा 7,560। 7,560 में आप यूपी के सारे एग्जाम्स कवर कर रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी नहीं मिलती है इतने में। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होता है कि आप जिस एडुकेटर के साथ पढ़ते हैं उसके बारे में जानना। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ है अनअकैडमी पे, देन यू कैन फॉलो मी, जहाँ पे आपको मेरे नेक्स्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्लस आप मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस का तो मैंने आपको बता दिया। अगर हम लोग स्पेशल क्लास के बारे में बात करते हैं, स्पेशल क्लास भी कई लोग बोल सकते हैं इसको, स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी के जो अनअकैडमी पर जो मेरी स्पेशल क्लास लगती है, इसका टाइमिंग भी फिक्स है, आप डेली आके मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक तो है 7 AM और दूसरा है हमारा 3:30 PM। ये दो सेशन, इसके अलावा भी और कई सारे सेशन चलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मी, आई एम द कोऑथर ऑफ द मैथमेटिक्स फॉर फिजिकल साइंस इंजीनियरिंग टू निकासल यूनिवर्सिटी वॉल्यूम 1 एंड 2। ये सारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब उसी में ही आता हुआ है।
रामदेव को ऑनर ऑफ द ऑनलाइन अनुभव, अगर आपने मेरे चैनल सभी नहीं देखा हुआ है यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट, वहां पे हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन आपको यही बोलूंगा कि जो वहां पढ़ाऊंगा वो यहाँ पे भी आपको मिलेगा और अनअकैडमी पे भी मिलेगा, तो आप सबसे पहले अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए, रेफरल कोड यूज कर सकते हैं मेरा सुवेन एससी। अगर हम लोग अनअकैडमी के यूपी एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं तो यूपी एग्जाम में मेरा 2 सेशन होता है। एक सेशन जो है वो हम लोग कंडक्ट कराते हैं दोपहर में 1 बजे रीजनिंग का और रात के 8 बजे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का हमारा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे 3 सेशन हमारा कंडक्ट रहता है। अगले महीने से मैराथन क्लास भी कंडक्ट किया जाएगा, तो उसी हिसाब से देखते हैं। मैराथन में क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करेंगे अपन लोग, और आप लोगों का एग्जाम क्रैक कराना है। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछला जो हमारा सेशन हुआ था उस सेशन में हम लोगों ने देखा हुआ था कि डिजिबिलिटी प्लस उसका रिमाइंडर फाइंड करना, सेम तरीके से अब आज का जो सेशन है यहाँ पे हम लोग देखेंगे फाइंडिंग यूनिट डिजिट को फाइंड करने में। तो यूनिट डिजिट्स के जो हमारे डिजिट्स होते हैं वो 0 से लेके 9 तक, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक अपना अप्लाई करना है, यूनिट डिजिट में कुछ भी नहीं है, ट्रिक अप्लाई करिए और आंसर का फायदा उठाइए। क्लियर? कुछ ट्रिक्स से समझने पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं। यूनिट डिजिट आपको पूछा गया है, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, आपको ये बोलूंगा कि इस क्वेश्चन का 4 × 5 × 7, इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 × 4 = 20, 20 × 7 यहाँ पे यूनिट डिजिट से मतलब है, मैंने आपको पहले ही बोला गया था उससे यूनिट डिजिट के अलावा जितने भी डिजिट हुआ करें उसको भूल जाइए, इससे मुझे मतलब है ही नहीं। अगर मैंने क्या बोला 0 × यानी गधा घोड़ा हाथी ये 0 ही होता है तो आंसर हमारा आ जाएगा 0। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को यूनिट डिजिट को कंसिडर करना है, यूनिट डिजिट ही कंसीडर करेंगे। कोई बड़ा नंबर दे दिया जाता है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, हमारा दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। कई लोग बोलते हैं सर आप क्वेश्चंस बहुत इजी यहाँ पे सॉल्व कराते हो, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस जो पूछते हो वो थोड़े हार्ड होते हैं। देखिए तो आप लोग प्रैक्टिस करिए ना, मैं तो यहाँ पे आपके लिए ही आऊँ, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चंस अपने आप लेके आइए, मुझसे क्वेश्चन पूछिए। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ बड़ा नंबर हम लोग ले लेते हैं, 4, 5, 8, 9 × 2, 7, 4 × 12। अब मुझे मतलब है नहीं कि ये जो नंबर है, इस नंबर मुझे ये मतलब नहीं है कि इसके आगे क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 8, 9 के आगे हमारा बोल, 1 मिनट, ये कलर थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए था, रेड नहीं सॉरी येलो नहीं। अब इसमें ये बोला गया 9 के आगे क्या डिजिट है, मुझे इससे मतलब ही नहीं है, फायदा नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, इस यूनिट डिजिट को ले लिया मैंने 9 मल्टीप्लाई बाई, इसको आगे क्या है इससे मुझे मतलब नहीं है, बचा 4, इसके आगे क्या है 2, 9 × 4 = 36 अगेन इससे मुझे मतलब नहीं है, बचा क्या है 2, 6 × 2 = 12 आंसर क्या हो जाएगा 2 हमारा इसका आंसर है। तो क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं कि आप लोगों को यूनिट डिजिट निकालनी है, छोटे मोटे क्वेश्चन इससे हम लोग बनेंगे। लेकिन एक ट्रिक देखेंगे, ट्रिक से अपन को ये पता चलेगा कि हर एक डिजिट का पता चल जाएगा कि उसका यूनिट डिजिट्स में है क्या। वो ट्रिक्स कब आते हैं, जब फाइंड करना हो कोई पावर दिया गया है। अब ये एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं आप लोगों को, करिएगा क्वेश्चन और इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, लाइक जरूर करते रहिए। देखिए शेयर लाइक में थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है कि नहीं बच्चों लोगों को पसंद आ रहा है। डिमोटिवेशन आप मत डाला करिए, कई लोग डिमोटिवेशन हो जाते हैं, जैसा कि मैं शुरुआत में बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हुआ करता था, अगर नेगेटिव कोई डिसलाइक अगर हो जाता है तो, लेकिन कोई बात नहीं चलता है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए,
जल्द से जल्द लाइक ठोक दीजिए और शेयर जरूर करते रहिए जो भी सोशल मीडिया से आप फॉलो करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह इसमें बुलाई हो, अपना एक ग्रुप क्रिएट करिए। क्योंकि आपको पता है कि मैं यहाँ पे 8 बजे डेली आता हूँ, डेली नहीं समझिए लेकिन 8 बजे हमारा सेशन होता है यूपी टेट के लिए। तो यूपी टेट के लिए जो भी सेशन होगा आप उसमें अटेंड तो कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा, जल्द से जल्द आंसर बताइएगा। राइट, कभी कभार ये थोड़ा कलर डिफरेंट लेने की वजह से ना पता नहीं चलता है क्या है। 1527 × 4 8965 4 8965 इसका आप × 49 आपको यूनिट डिजिट निकालना है। दीज आर दी ऑप्शंस, ऑप्शंस आपके सामने ये रहे हैं 2 3 4 5, ये आपके सामने ऑप्शंस है। आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या होना चाहिए, तो हम लोग फिर आगे मूव ऑन करें तो आपको ये पता चल जाए यूनिट डिजिट होता क्या है, यूनिट डिजिट को किस तरीके से निकाला जाता है। हम लोग पार के केस में देखते हैं, पार के केस में क्या है यूनिट डिजिट, आंसर इसका होगा 5। कैसे होगा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे इससे मतलब नहीं है आगे क्या है, मुझे इससे मतलब नहीं है इससे आगे क्या हो, इससे मतलब नहीं। तो मेरे पास बचा क्या, 7 × 5 × 9, 5 की पावर कोई भी हो, सॉरी नॉट पावर, 7 × 5 = 35 × 9, तो मुझे इससे मतलब नहीं है, 5 × 9 = 45, आंसर 4 से मुझे मतलब नहीं, आंसर मुझे मतलब है सिर्फ और सिर्फ 5 से। तो यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना आ जाना चाहिए अभी तक। मूव ऑन करते हैं जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूं कि देखिए अगर एग्जाम में ये आ जाता है, कई सारे एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम में अगर ये आ जाता है कि आप लोगों को यूनिट डिजिट निकालना है ऑफ, आप यूनिट डिजिट निकालिए 5 raised to power 749। अब आप ये थोड़ी ना करोगे कि 5 की पावर मतलब 5 raised to power 749, तो आप 5 × 5 × 5 × 5 749 टाइम्स करेंगे, 5 × 5 × 5 × 5 749 टाइम्स। ऐसा तो करेंगे नहीं, आंसर भी नहीं निकलेगा। तो इसके लिए कुछ ट्रिक है, तो आप ये अपना सकते हैं। ट्रिक नंबर 1, हर एक ट्रिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। तो ट्रिक नंबर 1 क्या कहता है कि अगर अब यहां पे अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है हमारा ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर 0 नंबर है या 1 है या 5 है या 6 है, raised to power n, ये मैं केस बता रहा हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मिल सकता है कुछ जहां पे हम लोग, मैंने भी पढ़ा हुआ, मैंने भी सीखा हुआ उनसे, तो वहां पे मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे एकदम सटीक बहुत ही आसान तरीका आपको, अगर ये होता है तो इसमें क्या होगा, इनका जो अंतिम डिजिट होता है, जो लास्ट डिजिट होता है, उसका अंक नहीं बदलेगा, उसका अंक नहीं बदलेगा, लास्ट डिजिट का अंक बिल्कुल सेम रहेगा। इसका मैं क्या बोल दूंगा, लास्ट डिजिट वैल्यू डजंट चेंज, लास्ट डिजिट वैल्यू डजंट चेंज। इसका मतलब ये है जो अंतिम वर्ग है, मतलब जो अंतिम अंक है, अंतिम
अंतिम अंक नहीं बदलेगा। अंतिम अंक की जो वैल्यू होगी वो नहीं बदलेगी। इसका कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास जीरो की पावर कुछ भी आ जाती है, जीरो की पावर कुछ भी आ जाए, आंसर आपका जीरो ही रहेगा। जो यूनिट डिजिट पूछा गया है, यूनिट डिजिट की बात कर रही है यहाँ पे आंसर की नहीं। वन की पावर कुछ भी है, आपका जो यूनिट डिजिट वन रहेगा। फाइव की पावर कुछ भी है, आंसर का जो यूनिट डिजिट रहेगा वो फाइव रहेगा। सिक्स की पावर कुछ भी है, तो आंसर की जो यूनिट डिजिट रहेगी वो सिक्स ही रहेगी। क्लियर? देख लेते हैं। अगर आपको नहीं ये समझ में आ रहा है कि सर ये ऐसे हो कैसे गया, तो आप ये थोड़ा समझाइए, इसको अच्छे से समझाइए कि हमारे दिमाग में भी घुस जाए। चलो मैंने ये ले लिया, मैंने लिया एक एग्जाम्पल कि मेरा 10 का पावर 336 है। चलो 360 ले लेते हैं। 360 कुछ भी, एन यहां से मतलब नहीं है, आंसर इसका आएगा जीरो ही। जो यूनिट डिजिट पूछा गया है, यूनिट आखिरी अंक, यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट जीरो ही रहेगा। अगर मैं ये बोलता हूं कि 26 का पावर 8, 26 का पावर 8 कुछ भी हो, आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 ही होगा। यूनिट डिजिट 6 ही होगा, उससे मतलब नहीं है। अब आप ये कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, चलो मैंने 8 से कोई भी वैल्यू ले लिया, लेकिन चलिए अब निकाल लीजिए, 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6, अरे वो तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। आप इससे बैठ, 2 × 2 = 4, 5 × 6 = 7, 8, इसका यूनिट पे डिजिट पे हम लोग को पूछा गया, तो हम लोग यूनिट वाला ही कंसीडर किया जाएगा। कभी आइए 26 ले लीजिए, आगे 2-2 लगाते जाइए, जो भी वैल्यू आएगी आपका यूनिट डिजिट इसका निकालना है, आप निकाल लीजिए आराम से, फ्री बैठिए। तो एग्जाम में अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप बैठा बैठिएगा, निकालिएगा, लेकिन आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। ट्रिक नंबर वन, जब भी कोई भी वैल्यू जिसका जीरो, उसका मतलब ये 0, 1, 5, 6, ये देखना है अपन को, ये इसकी बारे में बात चल रही है, 0, 1, 5, 6, ये याद रखिएगा, 0, 1, 5, 6 जो हमारा है, ये जो है इसका आपको यूनिट डिजिट ही देखनी है। नंबर की मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये नंबर का यूनिट डिजिट ही देखना है अपन को, तभी आंसर आएगा। नहीं तो पता चले आपने ये 2 ले लिया तो 26 26 नहीं, उसका 6 का पावर कुछ भी हो, आंसर हमारा 6 ही आएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, हमारा कौन कौन सा कवर हो गया? 0 कवर हो गया, 1 कवर हो गया, 5 कवर हो गया और 6 भी कवर हो गया। अब देखते हैं 4 और 9 का, 4 एंड 9। पावर ऑफ 4 एंड 9, 4 और 9 के जो पावर है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, हर एक सेशन हमारा इंपॉर्टेंट होता है, कि आपने जो भी सेशन को, जो लोग आ रहे हैं नए, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो ये वीडियो समाप्त होते ही उस सेशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं इसी से डायरेक्ट हम लोग पिछले से लेते हैं। अगर हम लोग 4 का कंसीडर करते हैं, जैसे मैंने 4 का लिया, अब 4 का पावर 1, 4 का पावर 1 क्या होता है आप बताइए? 4 एकम 4 एकम 4 हो गया। 4 का पावर 2 क्या होता है? 4 × 4, दैट इज 16। 4 का पावर 3 क्या होता है? 4 × 4 × 4, दैट इज 16 × 4 = 64, 64। एंड 4 का पावर 4 क्या होता है? 256। अगर मैं देखूं
चार का पावर पांच अगर 256 में मैं चार का गुणा करता हूं, 256 में मैं चार का गुणा करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1024। अगर मैं चार का पावर छह करता हूं तो क्या आ जाएगा, 4096। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। चलिए, समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर ठोक दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है इसमें, क्या नहीं। लाइक जरूर ठोकते रहिए। कई लोग बोलते हैं कि सर इतना ये पार याद करने की क्या जरूरत है। अरे कुछ वैल्यूज हैं, कुछ नंबर हैं जो आप याद कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी डिजिबिलिटी वाला देखा हुआ था पिछली क्लास में, डिजिबिलिटी मैंने 7 और 17 वाला छोड़ दिया है। कुछ वो होते हैं उसके डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं अपने आंसर से, डायरेक्ट आप अपने आंसर से निकाल लीजिए। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल पाएंगे, जैसे कि कुछ कुछ जो फॉर्मूलाज होते हैं वहां पे हम लोग इससे कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे निकालने के लिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको ट्रिक पता चल ही गया होगा। 4 का पावर 1 चार है, 4 का पावर 2, यहाँ पे जो लास्ट का यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, 6। अब इसके बाद से रिपीट हो रहा है, 4 का पावर 4 के बाद से हमारा फिर से वही आ गया, 4 के पावर 4 के बाद से हमारा फिर से वही आ गया, 4 6 4 6। लेकिन यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर पावर इवन है, अगर हमारी पावर इवन हो जाती है तो हमारा आंसर जो होगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा दैट इज 6। अगर पावर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे ये लिख दीजिए और कमेंट और लाइक जरूर ठोक दीजिएगा इसी में। कमेंट एंड लाइक नहीं आने मतलब रुकना चाहिए। जो भी आपको डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एंड हमारे इस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर 4 raised to power n, n की वैल्यू इवन यानी कि सम संख्या, अगर n की वैल्यू सम संख्या है, सम संख्या है तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे n। अगर n का सम संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये रहा है, यूनिट डिजिट की वैल्यू हमारी होगी 6। अगर n की वैल्यू विषम संख्या है, ऑड नंबर है, इवन नंबर, अगर विषम संख्या है, अगर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो अपन को क्या करना है, अपन की जो वैल्यू हो जाएगी ऑड नंबर, यहां पे जो यूनिट डिजिट होगा एन का दैट इज 4। जब एन की वैल्यू ऑड है तो 4, जब एन की वैल्यू इवन है तो 6। तो एक ट्रिक चल मतलब चलता आ रहा है। अब आप देखिए, इवन ऑड नंबर है ना, एन ऑड 4, n even 6, 4 6 4 6 4 6 लगाते रहिए। चलिए, 4 6 तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अब इसके बारे में। अब उम्मीद करता हूं कि जो भी वैल्यू आ जाती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपके सामने एग्जांपल रहा है, आपको ये बताना है कि क्या आंसर होगा इस चीज का। एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे ये रहा है, एग्जांपल मैं कुछ भी ले लेता हूं, 4 raised to power 728, आंसर इज क्या हो जाएगा, 8। क्या है, 8 जो है हमारा इवन नंबर है, आंसर हमारा हो जाएगा, इसका यो यूनिट डिजिट होगा दैट इज 6। मैं कुछ भी लिखना चाहता हूं, एक ही नंबर, सेकंड एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 728, टू चलो 278 हो गया, 2 raised 78 raised to power 2489, 2489। अब इसको कैसे किया जाएगा, हमें तो यूनिट की पावर चाहिए, हमें इसके आगे क्या है, जैसा कि आपको पहले शुरू से बोल रहा हूँ, जब यूनिट डिजिट की बात हो तो बाकी संख्याओं को आप भूल जाइए, बाकी जो नंबर उनको भूल जाइए। 8 की पावर ये है, 8 का पावर क्या है,
ऑड नंबर है बेटा, ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा 4। आंख बंद करके आप लाइक जरूर ठोक दीजिएगा यहाँ पे, लाइक एंड कमेंट ठोको जितना ज्यादा लगा सकते हो उसमें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए जितना ज्यादा हो सके, जो भी आप सोशल मीडिया साइट यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम। वहां पे इसको क्या होता है कि कभी कभार ये आप तो समझ सकते हैं घर में ही खड़खड़ा की आवाज आती लगती है, इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ कि अपना एक थोड़ा सा सेपरेट वो हो, स्टूडियो टाइप का सेटअप किया जाए। उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द आप लोगों की क्लास स्टूडियो में ही दी जाएगी। जैसा कि पावर 9-4 का है, सेम पावर हम लोग लगा देंगे 9 में, 9 में भी सेम लगाएंगे। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैं क्वेश्चंस आपके सामने आपकी स्क्रीन पे बहुत जल्द से जल्द मैं आपको क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी पूछने वाला हूँ, ये याद रखिएगा। अगले पे हम लोग देखते हैं पावर ऑफ 9। अगर 9 का पावर कुछ है तो सेम ट्रिक ही अपनाया जाएगा, सेम ट्रिक अपनाया जाएगा पावर ऑफ 9 में भी। पावर ऑफ 9, चलिए इसका मतलब ये है कि इसका, चलिए कई लोग ये होता है 9 का पावर समथिंग, इस केस में कुछ भी हो, हमें यहां पे यूनिट डिजिट फाइंड करना है, यूनिट डिजिट। इकाई संख्या, इकाई अंक, नॉट संख्या, अंक, इकाई अंक फाइंड करना है। अब इसमें कैसे निकाला जाएगा, वही सेम अपना देख लिए, 9 की पावर 1 होती है, 9 1 9 होता है, 9 का पावर 2 है, 9 9 81। क्लियर। अब मैं लिखूं 9 का पावर 3, 9 का पावर तो अगर 3 होता है तो क्या हो जाएगा, 9 81 into 3 is 729, 719। आपको समझ में आ जाना चाहिए, वही सेम जो 4 का है वही सेम है इसका 9 का। अगर पावर ऑड है तो 9, पावर इवन है तो 1, पावर ऑड है तो 9, पावर इवन है तो 1। यहां पे क्या करेंगे, 9 की पावर अगर एन है तो इस केसेस में अगर एन ऑड होता है तो एड, अगर एन विषम संख्या है, अगर एन विषम संख्या है, अगर एन ऑड नंबर है तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 आएगा, यूनिट डिजिट। क्लियर। अगर एन इवन है, अगर हमारी एन की जो वैल्यू है दैट इज इवन सम संख्या, सम संख्या होने के कारण क्या हम लोग बोल सकते हैं, इसका जो यूनिट डिजिट होगा दैट इज इक्वल टू 1। आंख बंद करके आप लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस हो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, लेकिन आपको ये समझ में तो आ जाना चाहिए। चलिए आपने क्वेश्चंस के लिए इतना बोल रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चंस दे देता हूँ, करिएगा और आंसर बताइएगा क्या होना चाहिए इसका। क्वेश्चंस एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे ये रहा है, आपको बताना है क्या आंसर होगा। 4729 raised to power 7281। अरे बेटा मुझे इससे मतलब ही नहीं है, इसके 9 के आगे क्या है, मुझे मतलब तो सिर्फ ये है कि मेरा इकाई अंक जो यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट है क्या, मुझे तो इसी से मतलब है, मुझे ये तो आगे जो है उससे मतलब ही नहीं है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। 9 की पावर क्या है, 9 की पावर जो है वो मुझे ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, जब 9 की पावर ऑड नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा 9। आया समझ में, आया हो तो लाइक जरूर ठोक दीजिएगा और कमेंट जरूर करते रहिएगा एंड शेयर जरूर करते रहिएगा इस वीडियो को। देखिए मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, यू डोंट हैव टू वरी, पहले ही बोल दिया है क्वेश्चंस के मामले में आपको घबराने की चिंता नहीं, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, तो क्वेश्चंस की बात उठी है तो आप बताइएगा कि
इनमें इकाई यूनिट डिजिट क्या होगा इन क्वेश्चंस का, फाइंड द यूनिट डिजिट। क्वेश्चंस आपके सामने ये रहे हैं, क्वेश्चंस हैं आपके सामने, आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। और जो लोग इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, बेकार आप लोग सही नहीं है, थोड़ा हमें भी सपोर्ट किया करिए, हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए भी। फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक फाइंड करना है, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, क्या होगा इसका इकाई अंक, यूनिट डिजिट, आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो मैंने आपके सामने ये ऑप्शंस लिख रखे हैं, अब ये इनके सबके आपको आंसर बताना है। चलिए पांच, चलिए चार ही काफी हैं, चार आप करिए और इसका आंसर जल्द से जल्द आप कमेंट बॉक्स में करते रहिए। मैं कोई भी क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आंसर्स भी। जैसे कि 249 रेस्ट पावर 77 1274 रेस्ट पावर 95, इसका इकाई अंक आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए क्या होना चाहिए इकाई अंक। 929 रेज टू पावर 2468 एंड 26 रेज टू पावर 27। चलिए बताइए क्या होना चाहिए आंसर। आंसर नहीं आएगा तो चलिए ये बड़ी अच्छी बात नहीं है, आप लोग आंसर करिए, क्वेश्चंस इतने अच्छे, ये तो बेसिक है, हम लोग अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चंस पे नहीं आया हूं। हमारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जब हमारा इसका प्रॉपर दो सेशन में कंडक्ट कराऊंगा या फिर हमारा मैराथन सेशन रहेगा, तो मैराथन सेशन में आप आइएगा, मैराथन सेशन में हम लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया करेंगे, दो मैराथन सेशन में रखूंगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था, आप ये देखिए पांच है ना, पांच छह आंसर आप आंख बंद करके लिख दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा छह, इसका आंसर हो जाएगा पांच। याद करना है आपको ट्रिक, जो लोग अभी नए आए हैं आप एक बार वीडियो कंप्लीट होती ही आप उस वीडियो को देखिए, जब हम लोगों ने ट्रिक बताई थी, तीन ट्रिक हो गई है, 0 1 5 6 0 1 5 6 चार नंबर वो वहां पे कवर किए, 2 और 4 और 9 टोटल 6 नंबर तक की मैंने ट्रिक बता दी गई है। अगर उसकी पावर कुछ भी होती है तो कैसे निकालते हैं, चार का ट्रिक क्या था, चार का पावर अगर ऑड है, चार का पावर अगर ऑड है तो हमारा नंबर क्या आता है, चार आएगा। और यहाँ नौ की पावर अगर इवन है, अगर नौ की पावर इवन हो तो इवन का मतलब सम संख्या, अगर नौ की पावर यहाँ पे ये देखिए नौ की पावर इवन है, पूरा ये पूरा पावर इवन है, इवन होने के कारण हमारा जो आंसर हो जाएगा छह। वन मिनट, नौ की पावर इवन है, इवन होने पे वन, आई एम रियली सॉरी, 9 2 18 सही, एक आएगा हमारा, एक जो है वो एकदम सही आंसर है, सही उत्तर है एक जो है, जिसके ये आंसर है आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए एंड वेल डन, शाबाशी देना बहुत जरूरी होता है कभी कभार, स्माइली फेस के साथ ऐसे ही आइए, मुस्कुराते रहिए और सॉल्व करते रहिए हमारे साथ क्वेश्चंस को। अभी तक हम लोगों ने देखा हुआ था, एक देख लिया है कौन कौन से नंबर कवर हो गए हैं हमारे, हमने नंबर जो जो कवर किए हैं वो है, अच्छा एक मिनट, जो नंबर हमारे कवर हो गए हैं वो कौन कौन से हैं, सॉरी चलिए, एक तो जीरो हमने कर लिया, एक कर लिया, जीरो एक,
4, 5, 6, 9। अब बचे कितने हैं? ये कवर्ड हो गए हैं। अब बचा कितना है? 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 ये हमारा बचा हुआ है, इसको हम लोग कवर करते हैं। अब इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चंस आते हैं आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं 2, 3, 7, 8 का बताता हूं। यहाँ पे 2, 3, 7, 8 के लिए आप लोग क्या करिए, जल्द से जल्द आइए और शेयर जरूर करते रहिए इस वीडियो को। शेयर में और लाइक में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। और अपना एक ग्रुप बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लेके आएंगे यहाँ पे तो एक ग्रुप अपना बन जाएगा। अगर हम लोग 2, 3, 7, 8 के बारे में बात करते हैं, पहले 2 है, 2 के बारे में बात कर लिया जाता है। क्या है 2 नंबर? अब देखो 2 को निकालना है तो किस तरीके से निकलेगा। 2 को निकालने के लिए सेम तरीका है, थोड़ा डिस्कस करेंगे। 2 को निकालने के 2^1 आंसर क्या आ जाएगा? 2^2 आंसर इज 2^4। 2^3 2^4 = 8 एंड 2^4 8^16। 2^5 कितना हो जाएगा? 16^32। 2^5 इज 32। अब इसके बाद 2^6 = 64। इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो हम लोगों को एक आइडिया लगा हुआ है यहां से, क्या कि अगर 2^1 है 2 है 3 है 4 है तो हमारी ये उसकी जो इकाई अंक होगी, उसकी इकाई अंक क्या होगी? 2 होगी 4 होगी 8 होगी और 16 6 होगी। 2 6 2 4 8 6 2 4 8 6 ये आ गया 2 6 2 4 8 6। अब ये कैसे सॉल्व होगा? चलिए आपने ये तो बता दिया, लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा अब ये आपको बताना है। एग्जाम्पल, चलिए आपको जो भी कराऊंगा एकदम सटीक कराऊंगा। एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 2^4 45 ले लिया। अब जो भी ये नंबर हुआ करेगा, जो भी ये नंबर है अपना, इस नंबर को कौन सा नंबर? ये, क्योंकि हम लोग को पता है कि 2 की जो है उसमें 4 है, 4 वैल्यूज में अलग अलग आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 45 को 45 को मैंने डिवाइड कर दिया 4 से। क्लियर, 4 से मैंने 45 को डिवाइड किया। आंसर मेरा क्या आया? 4 × 4 = 4 45 ही है ना। तो इस केस में जब मैं 4 को डिवाइड करता हूं 45 से, तो 4 11 बार चला जाएगा। चलिए 45 4 11 बार सीधा लिख देता हूं 44। बचा क्या है? 1 1 बचा हुआ ना हमारा, दैट इज यही तो हमारी वैल्यू है। 2^5 अगर हम लोग पूछा गया है 45 का, तो वहां पे जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, जो रिमाइंडर है आप रिमाइंडर लिख सकते हैं। रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज द रिमाइंडर। तो आप बताइए, तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? यही तो आंसर है हमारा, 2^1 आंसर वुड बी
टू। टू रेज टू पावर वन वुड बी इक्वल टू टू, यही आपको लिखना है। तो जल्द से जल्द आप शेयर जरूर करते रहिए इस वीडियो को, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपन को लेके आना है। इसी तरह वो जो हमारे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो थ्री थ्री का नंबर है एज वेल एज सेवन है, उन सब का भी बिल्कुल सेम तरीके से आप निकाल सकते हैं सॉल्यूशन को। यही आपका सॉल्यूशन रहेगा, जो भी पावर बचे वही हम लोग लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, आप उस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने ये लिखा है टू रेज टू पावर 749। टू रेज टू पावर 749, इसका आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए मैंने क्वेश्चन अभी बनाया है तो मुझे तो आंसर पता नहीं, को सॉल्व करूंगा ही करूंगा। मैंने क्या बोला था कि जो भी दिया रहे 749, यहाँ पे दिया रहा है 749/4। यहाँ पे आप अपना डिजिटल बाई फोर जो हमने ट्रिक देखी हुई थी वो आप अपना लीजिए कि अपन को लास्ट के दो डिजिट को ही कंसीडर करना है। ये 749 को डिवाइड थोड़ी ना करने की जरूरत, लास्ट के दो डिजिट ही कंसीडर करो। 49 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 एकम 4, 9 यहां से उतार लिया, 4 दूनी 8, बचा क्या है अपना 1 बच गया बेटा, यही तो है। तो आंसर क्या है? 2 रेज टू पावर 1। 2 रेज टू पावर 1 इज 2, जिसका यूनिट डिजिट होगा वो हमारा 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तरीके से आपको बताना है इसका क्या होगा। आएगा 2 4 9 8 2 रेज टू पावर 1 4 6 9 7 2। ये आपके सामने है, इसका आप यूनिट डिजिट निकालिए। फाइंड द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा आपको ये बताना है। जल्द से जल्द बताते रहिए और लिंक को कॉपी करिए, शेयर करिए अपने जो भी सोशल मीडिया साइट आप फॉलो करते हैं। आप मेरा प्लस पे भी कोर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्लस पे भी हमारा कोर्स चलता है। और हम लोग क्या है कि नया कोर्स को लॉन्च करने जाएंगे स्पेशली फॉर यूपी टेट के लिए, तो उस पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरा सुबह 7 बजे लेक्चर आता है, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए वो तो बात अलग है। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि ये डिजिट है, मुझे इससे मतलब नहीं, इससे पहले है क्या, मैं इसको भूल जाऊंगा। 2 की पावर, मेरे पास क्या है 1 4 6 9 7 2, ये नंबर है, मैंने इस नंबर को क्या करूंगा, इस नंबर को 1 4 6 9 7 2 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। अब बेटा आप 4 से डिवाइड करने मत बैठ जाइएगा, पता चले एग्जाम का पेपर ही छूट जाए, आप डिजिबल भी भाई 4 से डिवाइड ही ना हो पाए। अपना जो वो ट्रिक है जो अपन ने पढ़ा हुआ था पिछली क्लास में कि लास्ट के दो नंबर को ही अपन को कंसीडर करना होता है, लास्ट के दो नंबर आप कंसीडर करिए और ट्रिक से इस सॉल्यूशन को निकाल लीजिए। लास्ट के दो नंबर, बाकी जो नंबर है इसको भूल जाइए। लास्ट के दो नंबर क्या है 72, 72 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 4 एकम 4 3 2 18। अरे ये तो पूरा हो गया, इसमें तो रिमाइंडर कुछ आया ही नहीं। जब रिमाइंडर 0 है तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, इसका मतलब ये है कि जब रिमाइंडर 0 है वो 4 से डिवाइड हो गया, तो हम लोगों को 2 रेज टू पावर 4 का जो है वो हमारा यूनिट डिजिट 6, इसका जो यूनिट डिजिट है दैट इज 6, यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारा 6 है वो आंसर। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठोक दीजिए एक बार लाइक, फिर लाइक जरूर ठोकते रहिए, चलते रहिए। अगला मैं बात करता हूं,
जैसे 2 का है बिल्कुल, 3 का भी है, 7 का भी है, 8 का भी है। 3, 7, 8 एक मैं टेबल आपको बना दूंगा, उसके आप अकॉर्डिंग आप देखते रहिएगा। 3, 7, 8 एग्जाम्पल हम लोग उसके देखेंगे थोड़ी देर में। अगर हम लोग यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट निकालना है 3 का, 7 का, 8 का, बाकी सारे नंबर हमारे हो गए हैं। जो लोग अभी आते जा रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए, आप पे मेरे लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली में अल्टरनेट डेज हमारा मैथ्स का आता है, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, और मैराथन क्लास भी रहेगी जनवरी से। तो कई सारे हम लोगों ने टॉपिक, अभी दो टॉपिक हो चुके हैं, उन दोनों टॉपिक को ही देखना बहुत जरूरी है। अगर आप फ्लो में, मतलब एक हमारा प्रॉपर सीरीज चल रही है। अगर मैं बात करूं 3 रेज, वही 3 का आप देखिए, 3 का मैंने लिख लिया, ठीक। 4 में केसेस लेता हूँ, 4 ही केसेस बनेंगे। 3 रेज टू पावर 1 में क्या होता है, 3 रेज टू पावर 2 में क्या होता है, 3 रेज टू पावर 3 में क्या होता है, एंड 3 रेज टू पावर 4 में क्या होता है। इन सारे केसेस देखते हैं। 3 रेज टू पावर 3 में क्या होगा, 1 3 हो जाएगा, 3 3 या 9, 9 3 या 27, ओ गॉड, व्हाट हैवन, 27, और 27 3 81। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 3 का समझ में आया, आप लोग 3 की पावर 5 करना है तो into 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 की पावर अगर 5 करते हैं 243, सही है। 3 का पावर 5 में हमारा क्या हो जाएगा, 3 का पावर अगर 5 है तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 243। तो यहाँ पे क्या अपन को ऑब्जर्व करने को मिला है, वही सेम ट्रिक आपको अपनाना है। 1971, सॉरी 3971 आ गया, 397 के एग्जाम्पल। इसका मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ, एग्जाम्पल आप करते रहिए और आंसर का फायदा, मतलब क्लास का फायदा उठाते रहिए, और लोगों को भी साथ में लेके आइएगा अगले क्लास में। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हर एक का केसेस में एग्जाम्पल लूंगा मैं। मैंने लिया 378 रेज टू पावर 46, चलिए 46 ले लिया था, है वही बात है। ओ ये 8 नहीं, आई एम रियली सॉरी, अभी 8 का आया नहीं है, लेकिन अप्लाई आप 8 में भी यही सेम केस अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग ले लेंगे, 3 लेते हैं, 3 है, 373, 373 का पावर कुछ। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि पहले ही बोला हुआ था हम लोगों को, वो कंसीडर ही नहीं करना, उसके पहले है क्या, आप ये कंसीडर ही नहीं करो। मेरे पास क्या है कि 3 बचा हुआ है, मेरे पास ये 3 बचे हुए हैं, 3 अपन को कंसीडर करना है, ये अपन को ये नंबर लेना ही नहीं है। 3 का पावर क्या है, 46 है। 46 होते में क्या बोला था आपको, 4 बार इसको वो हुआ है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, वही 44, 45, 46, 2 बचा, 2 जो है वो मेरा रिमाइंडर है, शेषफल, शेषफल रिमाइंडर 2 आ गया। जब रिमाइंडर मेरा 2 आ गया है तो आप क्या होगा, 3 का पावर 2, इसका आप क्या कर सकते हैं, 3 का पावर 2 में 9 आ गया आंसर, आंसर तो 9 है, यूनिट डिजिट आ गया बेटा, यूनिट डिजिट। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया हो, समझ में आया, आप एक बार लाइक जरूर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं, अब ये तो हमने एक वाला पार्ट कर लिया, ठीक। अगला जो हमारा है वो देखिए, 2 तो हमने पहले बचा, 3 तो यहाँ पे हो गया, अब 7 का देख लेते हैं। इससे रिलेटेड मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा, तो क्वेश्चंस आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। अब 7 का देखते हैं, 7 में भी वही केसेस लगेगा, 7 का पावर 1, 7 का पावर 2, 7 का पावर 3 और 7 का पावर 4। ये लगाते ही आप क्या करेंगे कि कर दीजिए सॉल्व, 7 एकम 7, 7 7 जा 49, एंड 7, 49 into 7 is 343। अब 7 का पावर 4 का तो आता नहीं है, तो अपन लोग सॉल्व करते हैं, 343 into 3 into 7, 7 3 या 21, 7 4 या 28, 29 30, 7 3 या 21, 22, 20, 24, 24
24101। अब 7 का पावर 5 में भी वही सेम केस आएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हमारा, सॉरी इसको क्या करेंगे अपन लोग, 7 का पावर अगर 5 चाहिए है, 7 का पावर 5 में वही है जो है हमारा 2401, जो है 2401 इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर 16807 वही है 7931। उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, आप एग्जांपल कुछ भी ले लेते हैं, अभी एग्जांपल इस पे नहीं, हम लोग आने वाले स्लाइड में एग्जांपल्स को किया जाएगा। अगला देख लेते हैं 8 वाला देखते हैं, 8 वाले केसेस में भी वही 4 केसेस आपको उठाना है, 4 केसेस उठाना है, जब 8 का पावर 1 हो तो क्या होगा, जब 8 का पावर 2 हो तो क्या होगा, और जब 8 का पावर 3 हो तो क्या होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया हो, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2, 8 का पावर 3 एंड 8 का पावर 4, इन चारों का लगा के आपको बताना है, 8 एकम 8, 8 8 जा 64, 64 × 8 करेंगे क्या आ जाएगा, 8 का क्यूब होता है 512, अगर 512 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, 4096 हो गया। अब फिर वही सेम बात रिपीट होने लगे, अगर पावर 1 2 3 4 सेम अप्लाई यही करना है, यही चीज लेना है अपन को, सो यू डोंट हैव टू फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, हर एक एक चीज में इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट जरूर करिएगा, और चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस करने के लिए मैंने हर का बता दिया 0 से लेके वहां, अब एग्जांपल्स का आपको ट्राई कराता हूं और उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा। एग्जांपल 2468, चलिए स्टार्ट छोटा वाला करते हैं, इतना नहीं, छोटे से स्टार्ट किया जाएगा। इनटू 21 मल्टीप्लाई बाय 49 raised to power 126 मल्टीप्लाई बाय 128 raised to power 71। करिए आंसर, बताइए क्या आंसर होगा। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, एक क्वेश्चन और बड़ा ले लेते हैं, ये 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फिर अपना सेशन को एंड किया जाएगा, अगर कोई भी स्लाइड बाकी नहीं रही होंगी तो सेशन को एंड कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बढ़ा देता हूं, 2419 raised to power 2496 × 2175 raised to power 279 × 10021 raised to power 729। आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द आप इन दोनों का आंसर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का। चलिए देखते हैं, देखिए अब इसका 4 का मैंने आपको क्या बोला था, 4 का आप यहाँ पे लगा दीजिए, 4 को आपको लगाना है, अगर 4 इवन होता है या ऑड होता है तो क्या होगा, जब 4 ऑड हो, जब यहाँ पे 4 का पावर क्या है, ऑड संख्या है ना, तो इसका मेरा क्या आ जाएगा, ऑड डिजिट 4 इंटू 9 का पावर, अगर यहाँ पे क्या बोला गया, 9 का पावर जो है इवन है, 9 है ना, 9 का पावर इवन है, इवन होने की वजह से आप इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 × 128 8 का पावर 71। अब ये क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अपन, क्योंकि हम लोग देखा हुआ था 8 के 4 केसेस आते हैं, 8 के 4 केसेस होने की वजह से अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे। 71 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा,
तो क्या हो जाएगा, 4 से मैंने 71 को डिवाइड किया, मेरा आंसर होना चाहिए 7 वन जा 7, सॉरी 4 वन जा 4, 5 6 7 31, 31 आ गया। अरे चलिए वो तो 32 हो जाता। अब अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 7 जा 28, 29, 30, 31, बचा क्या है 3, 8 का पावर 3 अपन को निकालना है। ये क्या हो गया, यहां से 8 का पावर 3, ये आया कि नहीं आया, तो ये तो डायरेक्ट लिख देंगे 4 × 1 × 8 का पावर, जब 3 होता है तो आप लोगों को बताना है क्या आंसर होगा 8 के पावर 3 होने पे, 8 का पावर 3 होने पे क्या होगा, 512 था कि नहीं, 512 था, तो बचा क्या 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर क्या हो जाएगा 8, 8 आंसर है हमारा। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन आप करिए और बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। इसका ये 8 का पावर, पर ये तो बहुत बड़ा नंबर है लेकिन मुझे इससे मतलब है ही नहीं। मैं क्या करूंगा, 2496 डिवाइडेड बाई 4 करना है। अब मुझे इससे मतलब है नहीं, ये आगे क्या है, मुझे दो नंबर को देखना है, 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड, रिमाइंडर 0, यानी कि 8 का पावर 0। जब 8 का पावर 0 है तो जो हमारा यूनिट डिजिट में आएगा क्या होगा, 6। यहाँ पे ये 5 है तो 5 6 5 30, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका तो 1 ही रहेगा, तो 13 × 1 आंसर इज 0। 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमारा 0 आ जाता है। उम्मीद करता हूं ये आपको सेशन समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, तो उस क्वेश्चंस को जरूर आप सॉल्व करिएगा, जैसे कि आप लोगों को दिस इज फॉर योर होमवर्क, होमवर्क में। लेकिन कमेंट बॉक्स तो आप कमेंट में आंसर जरूर किया करिएगा, क्योंकि मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एक ही क्वेश्चन दूंगा, 2497296 × 8276 8 2 7 6 3 raised to power 2 4 9 7, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इसकी फाइंड करिए। हमारा जो कल सेशन होगा यहाँ पे हम लोग, सॉरी नॉट, अगला जो सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट वन।